नमस्कार, स्वागत है आपका मॉम्स किचन में। मैं हूँ वसुधा और आज हम लाए हैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी, राजगिरी आटे की मसाला पूरी। राजगिरी या उसके आटे का प्रयोग हमारे यहाँ व्रत या उपवास में किया जाता है और इसके बहुत से अलग अलग व्यंजन बनाए जाते हैं। ये आटा बहुत ही हेल्दी होता है, हमारे हड्डियों को मजबूत करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है और साथ ही में शुगर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजगिरी आटे की मसाला पूरी। राजगिरा मसाला पूरी बनाने के लिए मैंने ली है यहाँ आधी कटोरी राजगिरी का आटा, आधी कटोरी पिसी हुई घिया, एक चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, चौथाई चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चौथाई चम्मच हींग और एक चम्मच कसूरी मेथी। अब इन सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घिया में पानी होता है तो हमें वैसे तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा लगे कि आटा थोड़ा टाइट लग रहा है तो आप एक दो चम्मच पानी डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा राजगिरी का मसाला आटा बनकर तैयार है। अब हम इस गुथे हुए आटे को चार भागों में बांट लेंगे। तो ये देखिए, चार भागों में बांटकर मैंने इसकी चार गोल गोल लोइयां बना ली है। अब स्लैब पर थोड़ा सूखा आटा डालकर इन लोइयों की हम छोटी छोटी पूड़ियां बना लेंगे। पहले इसे थोड़ा हाथों से दबाएंगे और इसके बाद हल्के हाथों से बेलन से बेलकर इसकी हम छोटी पूड़ी बना लेंगे। राजगिरी का आटा ग्लूटेन फ्री होता है तो ये थोड़ा लचीला कम होता है, इसीलिए पूड़ी को बेलने के बाद हम हाथों से इसके किनारों को सही कर देंगे। इसी तरह हम सभी पूड़ियां बेलकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पूड़ियों को बेल लिया है, अब हम इन्हें सेकेंगे। पूड़ी सेकने के लिए हम तवे को पहले थोड़ा गर्म कर लेंगे और इस तरफ पूड़ी डाल देंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट कर दूसरी तरफ हम घी लगाएंगे और इसे पलट कर हम पलटे से दबा दबा कर दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लेंगे। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो बिना घी के इस पूड़ी को सेक कर भी आप इसे खा सकते हैं। मैंने इस मसाला पूड़ी में घिया कसकर डाली है। आप चाहें तो अपनी मनपसंद किसी भी सब्जी को बारीक काट कर या किसकर इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह हम बाकी की पूड़ियों को भी सेक कर तैयार कर लेंगे। राजगिरा में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है तो इससे बने व्यंजनों को जब हम व्रत या उपवास में खाते हैं तो बहुत देर तक हमारा पेट भरा हुआ रहता है। और इसी तरह अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तब भी इसके आप अलग अलग व्यंजन बनाकर खा सकते हैं, तो ये हेल्दी भी रहते हैं और इससे हमारा पेट भी भरा रहता है। तो लीजिए हमारी हेल्दी और टेस्टी व्रत या डाइटिंग में खाने वाली राजगिरी मसाला पूड़ी बनकर तैयार है। मैं तो इसे बिना व्रत के जब भी मन करता है बनाकर जरूर खाती हूँ। आप भी इसे एक बार ट्राई कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।